गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आज आप लोग को क्लास वन का पार्ट 3 र के रूप रेफ के बारे में बताने जा रही हूँ। जैसे कि बेटा ये शूर्य होता है, देखिए इस शब्द को, शूर्य 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 में यहाँ पे र पदेम, जैसे कि रेफ का प्रयोग किया जाता है, जैसे सूर्य, वर्षा, चक्र, पर्त, गर्भ, इस र से बेटा आप लोग ढेर सारे शब्दों को बना सकते हो। जैसे अंबर पर बादल, अंबर पर बादल जब छाए, देखो मोर उनको हर्षाए, फूलों पर भ्रमरों का गुंजन, खिला खिला हर्षित हर उपवन। इसमें बेटा हर्षाए पे भी देखिए रेफ है, हर्षाए, भ्रमरों, भ्रमरों। इस प्रकार बेटा आप लोग र से ढेर सारे शब्दों को बना सकते हैं। इसमें एक छोटी सी कहानी है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, बातूनी कछुआ। एक तालाब में एक कछुआ रहता था, उसका नाम ननकू था। ननकू खूब बातें करता था, उसके दोस्त थे दो बगुले। एक बार खूब गर्मी पड़ी, तालाब का पानी सूखने लगा, तीनों दोस्त परेशान हो गए। बगुलों ने कहा, घबराओ मत ननकू, हम तुम्हें ले जाएंगे, तुम इस डंडी को अपने मुंह में पकड़ लो, बस तुम बातें मत करना। लोगों ने देखा कि कछुआ कैसे उड़ा जा रहा है, वे हंसने लगे। लोगों को हंसते देख ननकू को गुस्सा आ गया, उसने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि मुंह से डंडी छूट गई। बताओ फिर क्या हुआ बेटा, बताओ फिर क्या हुआ? जैसे ही जो कछुआ था, जैसे ही बोला, वैसे ही वो क्या होगा, नीचे ज़मीन पे गिर गया। इसमें बेटा देखो, जैसे कि जब हम एक इसमें कछुआ और बगुले की कहानी के बारे में बताया गया है कि एक नदी तालाब में एक कछुआ रहता था जिसका नाम ननकू था। वो बहुत बोलता था, और लेकिन जो उसके दोनों मित्र थे, एक बार तालाब का बेटा सारा पानी सूख गया था और वह अब तो ये कछुआ परेशान होने लगा, क्योंकि कछुआ तो पानी में ही रहता है। तो बगुले ने एक डंडा दे दिया और बोला कि तुम उस डंडे को पकड़ लो अपने मुँह में, और जब तुम चलो, लेकिन उसकी एक शर्त थी कि तुम बोलना नहीं। लेकिन कछुआ तो था बातूनी, तो क्या हुआ बेटा कि वह जैसे ही उसको लेकर बगुला उड़ने लगा, तो फिर क्या हुआ कि कुछ लोग उसको देखकर हंसने लगे कि ये देखो कैसे जा रहा है कछुआ, और उसे गुस्सा आया, वह जैसे ही बोला वह ज़मीन पर गिर गया। इसीलिए हमें अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए और सभी जगह नहीं बोलना चाहिए। बेटा अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को पार्ट 4 पढ़ाऊँगी। थैंक यू।